दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। एक बाराती ने बांटा कोरोना, अब तक 70 पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव बना बाराती और अब तक 70 लोग हो चुके हैं उसके संपर्क में आकर संक्रमित। एक सरकारी भूल पूरे गांव के लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। शिवराज मामू कह रहे हैं कोरोना की रफ्तार कंट्रोल में है, मगर कैसे? इस एक घटना से समझें। मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला, इस जिले का एक गांव है लुहरगुआ। 1200 की आबादी का है यह गांव। 24 वर्षीय एक युवक इस गांव का, उसकी तबीयत कुछ खराब हुई। उसने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए और गांव में शादी थी। यह युवक बाराती बना, लोगों को खाना परोसा। बेखौफ यह युवक पूरे गांव में घूमता रहा, लोगों से मिलता जुलता रहा। इस युवक ने डांस भी किया, स्टेज पर जाकर दूल्हे संग फोटो भी खिंचवाया। मगर 5 दिनों बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। 1200 जनसंख्या के इस गांव में अभी तक 70 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। पूरे गांव को प्रशासन ने सील कर दिया है। गांव में कोई बाहर न निकले, गांव से बाहर कोई न निकले, इसलिए गांव के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। अब स्वास्थ्य विभाग पूरे गांव के एक एक घर जाकर लोगों की जांच कर रहा है। मगर यह भी कोई बताएगा, जांच रिपोर्ट में 5 दिन क्यों लग रहे हैं शिवराज मामू? और कितने गांव ऐसे इस महामारी की चपेट में आएंगे? अगर रिपोर्ट एक दिन में आ जाती तो पूरा गांव बचाया जा सकता था। कोई WHO को भी बताएगा कि मध्य प्रदेश में 5 दिन में मिल रही है कोरोना की जांच रिपोर्ट?